बंगाल के लोगों को कह रहे थे कि सीट जिताओ, दीदी गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव, ममता जी का गवर्नमेंट खुश हो जाएगा। अभी आप जितने पत्रकार खड़े हैं, आप मेरे से उल्टा पूछ रहे हैं क्या एनडीए का गवर्नमेंट सर्वाइव करेगा? तो नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन और द कॉमन मैन। आपका सवाल में आपका जवाब कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है। किसी का कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ, राइस के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कम्युनल डिविजन पॉलिटिक्स के खिलाफ जवाब दिया है, वो हर एक गरीब आदमी देश का नागरिक किंग मेकर है। कोई आदमी कोई राजनेता किंग मेकर है। The deliberation has not even started. So let me go meet the people and the relevant stakeholders from different other political parties. And once we come to certain conclusions, then we will see everyone. मिल रहे दीजिए, यानी क्या प्रस्ताव रहेगा? अकेला तुम वहाँ पे मेरा मीटिंग हो नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे पार्टियाँ हैं जो दो सीट जीत के आए हैं, वो भी आएंगे। तो 37 सीट जीत के आए वो भी आएंगे। हम 29 सीट जीते हैं, हम भी जाएंगे। एक बार जाने दीजिए, मिलने दीजिए। সময় কথা বলবে, মানুষের উপর ছাড়ুন না। আপ পেলে উনসে পুছ লিজিয়ে, আপকা আপকি বার 400 পার কা জো নারা হ্যায় উসকা ক্যা হুয়া, পেলে পুছ লিজিয়ে, ফির পড়েগা ইনকা পুছনা। মেয়ে তো আপকা সওয়াল কা জবাব দেতা হুন। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी का जितना भी भविष्यवाणी है, मैं हर एक बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप को हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि भाई बंगाल के हर एक चुनाव में ऐसे प्रेडिक्शन सब करते रहे। आप 200 पार कहे तो तृणमूल को 200 पार आया। आपने कहा 30 सीट जीत के आएंगे तो तृणमूल 29 सीट जीत के आया। आप ऐसे प्रेडिक्शन जितना करेंगे तो हमारे पक्ष में मैंडेट आता रहे। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और हर एक बीजेपी का नेता का मैं अभिनंदन करता हूँ। भाई ये दिखाता है कि भाई जनता का आक्रोश किस लेवल तक बीजेपी के खिलाफ है। मैं मार्जिन पे तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर जिस राम मंदिर को आप कोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए, भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया। भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मेरे में क्षमता है कि मैं भगवान का प्रतिष्ठा करूं? ये यही दिखाता है कि जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूँगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया।